अगर आप लोग हमारी एक साल पहले की वीडियो देखोगे तो हमने देख सकते हैं इधर बेरन है, तो हमने धान कैसे लगता, धान गांव में कैसे लगाया जाता है तो वो हमने कवर किया था। इस साल मैं गांव में हूँ धान के टाइम पे, तो इस साल भी ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो ब्लॉग वीडियो बहुत दिन से नहीं डाला था मैंने, तो फिलहाल खेत में है। अब पहले ग्रीनरी का आप लुत्फ़ उठाइए। मेरे खेत में ककड़ी बोई हुई है और बारिश के टाइम पे ना ककड़ियाँ पक जाती हैं, तो हम वही देखने आए हैं क्योंकि मेरा भाई आता है तो पहले ही वो ढूंढ के चला जाता है, खा लेता है वो, और फिर हम ऐसे रह जाते हैं। एक ककड़ी ये रही, अभी पकी नहीं हुई, और भी है, ये रही दूसरी ककड़ी, सब छोटी छोटी हैं, अभी पकी नहीं है, हमें पकी एक भी नहीं मिली। एक ये रही, बारिश का मौसम है तो उड़द वगैरह पक गया है, यानी ये वाला तो नहीं पका, उधर पक गया है। और फिर हम अभी जाते हैं, इतनी बड़ी मकड़ी, अरे मैं अभी कर भी काटा था उसमें, इतनी बड़ी मकड़ी मिली, इतनी बड़ी मकड़ी मिली। और ये मकड़ियों की प्रजाति बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन सी प्रजाति, लेकिन बहुत बड़ी है ये। फिलहाल अभी बारिश हो रही थी सुबह से, तो मैं अभी खेत आया हूँ, इधर देख सकते हैं पानी वानी भरा हुआ है, और ये उड़द की दाल है, मतलब दाल के लिए उड़द बोया हुआ है, और इसमें थोड़ा थोड़ा भिंडी भी है, ककड़ी भी बोई है। अभी आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे मैंने ककड़ी बोई थी। और आज ये दूसरा दिन है, सुबह से बारिश हो रही थी, बाहर नहीं निकला था, अभी देखो कितना मस्त मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा, और यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो फिलहाल मौसम अच्छा है इसको कह सकते हैं। और बारिश हो रही है, तो इस समय ये आज ना, आज 21 जून है, साल का सबसे बड़ा दिन, मतलब आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है, हाँ लग गया होगा। तो फिलहाल सूर्य ग्रहण यहाँ भी तो दिख नहीं रहा क्योंकि बारिश हो रही है, बादल हैं, तो इसकी वजह से दिख नहीं रहा। ओके गूगल, आज सूर्य ग्रहण के बारे में बताओ। यूट्यूब से मिला सारांश यह है, साल के सबसे बड़े दिन आज यानी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया है। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर 3:04 मिनट पर खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5:49 मिनट तक यानी करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के सहयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और मैं आ गया हूँ खेत में, फिलहाल सूर्य ग्रहण अगर लगता तो मैं बाहर ना आता, प्रोटेक्शन आई प्रोटेक्शन के नहीं देखा जा सकता, आंखें खराब हो जाती हैं, रेटिना खराब हो जाता है। तो फिलहाल हम आ गए हैं, देखो पूरे खेत में, इधर धान नहीं लगा लेकिन धान की खेती होना शुरू हो गई है। अभी हम आ गए हैं आम की बगिया, ये हमारी बगिया नहीं है, दूसरे की बगिया है। यहाँ पे एक बूढ़ा रहती हैं, बूढ़ा दादी जी रहती हैं, और वो भाई साहब इतनी खड़ूस हैं, उनको आम अगर पड़ा रहे, अगर इधर से लोग जाते हैं आम अगर कोई उठा लेता है तो बहुत डांटती हैं वो। अभी उनसे कुछ, ये है पूरी बगिया जिसके बारे में बात कर रहे थे, आम देखो हरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और दादी का हाल है, आम वाम खोइए कुछ, आम तो गिरते हुए पाक के दादी, हाँ वही वही गिर रहा है, चलो बढ़िया है, मतलब हेरे नहीं ना, तो बरसियों ही रहा तो कहा, हाँ नहीं तो क्यों तूर ले जाए के? इधर कहीं आम गिरा है, देखते हैं
वैसे प्यार से बोलो तो दादी अच्छे से बोलती हैं। ये रहा आम भाई साहब, ये काम गिरा। हाँ सही कहते हैं, प्यार में कितनी ताकत होती है। प्यार से बोला, दादी कुछ नहीं बोली, आम भी खाने को दे दिया। देसी आम है जो बाज़ार में आते हैं, उनसे अच्छे आम होते हैं, मीठे आम होते हैं देसी वाले। और ये छोटे छोटे आम हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। दादी इधर देखो तो, क्यों झटाना बेटा। बहुत अच्छा आम लगा आपके खाए के। हे भैया बहुत खराब आम रहा। हाँ आज नहीं है, फिर से केला नहीं करा, केला में फरा है ना। हाँ हाँ इसे इतना मीठ नहीं, चार आम नहीं खा सकते। अब तुम वहाँ वीडियो बना रहे हैं, तुम टीवी में ही हो, टीवी में। अच्छा हाँ बहुत मीठा आम है। वही कह रहे थे, मैं चार आम नहीं खा सकते रहे, इतना खट्टा आम रहा। हाँ जीभ कट जात रहे। हाँ वैसे मतलब छोटे से रहे ना, तो यहाँ आवत रहे, उसरा पुरवा से आई थे हम। अरे चीना का चीन इतना ही ना का। हाँ यहाँ खेत है ना। हाँ खदिया से चीन ली ना। अच्छा यहाँ खेत है ना। हाँ। पानी वानी भरे जात रहे हुए दादा हमरे रहे हैं। पानी भरे जात रहे। हाँ तो और का हाल चाल है? अरे सब ठीक है भैया, मेरे पावा भी अरन नहीं हो, बरसा नहीं ना बेरनी है। आज सवेरे से बारिश हो रही ना। अरे आंधी अरन से बरसा हुआ तो ही जब चली, ये पट्टू चढ़ा है का आवाज आ रहा है। ये आला हमें दे दो। पट्टू चढ़ा वही काटे। मजा आ गया आम खाने में। पुत क्या ही भैया, मतलब बहुत पुरान थी गणी के राजा के राज रही तब क्या ही कहा थी मेरे घर के कि जब राजा हाथी पे चढ़ के आए तो पहल पिंगड़ी ही धरी। या वाला हाँ। मतलब होएगा हुए कम से कम 60-70 साल। अरे हाँ कई पुत भी थी 60-70। मतलब फिर और ज्यादा ससुर के आजा और दादा सब गए। काहे के काहे के फ्रीज से लाई। हाथ धोए तो हाथ ठंडा होएगा। अरे हमार हाथ बताए थे ठठुर गए वहाँ बहुत बार बार। अब हम खाना लाई तो फिर फ्रीज के पानी लाई। फ्रीज के पानी अच्छा नहीं लगते के? अरे अच्छा कहा तो हम बर्फ जम गए आज भर। अरे गर्म रहा था तपन रहा था तब तो भले रहा था। ठंडा मौसम वो ठंडा ठंडा पानी। लड़का आ गए सब गाँव के पास इनके दिन आम गिरा रहा हम आज भीग गये। अच्छा और वो ठंडा पानी पिया दिन जड़ाई गई। अरे पहला वही जड़ाई गई। अब हैं बरबरानी कि तुमका नलका का पानी नहीं मिला। दादी ने तो आम खूब खिलाए, मजा आ गई आम खाने में। भाई साहब बचपन में थे तो उनको खूब परेशान किया करते थे, यहाँ पे बकरी वगैरह चराने आया करते थे तो खूब मतलब हम लोग ये इधर रहती तो हम लोग उधर से आम तोड़ के निकल लेते। ये बूढ़ी मतलब बूढ़ी हैं तो कुछ बोल नहीं पाती थी, मतलब कुछ कर नहीं पाती थी। बोलती तो बहुत तेज से थी, डांटती बहुत तेज से थी। तो इस टाइम पे देखो प्यार से बोलो तो आम खिला देती हैं। अच्छा यहाँ अच्छा लगा हुए ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा मिलत हुए। चली थे आए आम खवा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा आम रहे आपके। दादी दिल से अच्छी हैं, उनसे प्यार से बात करो तो आम खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा अकड़ के बात किए और थोड़ा ऐसे जबरदस्ती करके आम तोड़ लिए तो फिर तो सुनो भाई साहब। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दोनों तीनों चारों करके जाइएगा। और यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक तो ज़रूर करके जाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइक डिसलाइक हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।